देखते हैं द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास वह समास जिसका एक पद या कहें कि पहला पद है वह संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची। अब वो संख्याएं कितनी भी हो सकती है, 1, 2, 1000 कितनी भी हो संख्यावाची, और वो संख्यावाची तत्सम हो सकती है या तद्भव रूप में हो सकती है। और दूसरा जो पद है सेकंड पद ही वो संज्ञावाची और वो समूह का बोध करने वाला होता है। तो इसकी परिभाषा देखें तो वह समास जिसका एक पद या कहीं पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद समूह का बोध कर, दूसरा पद संज्ञावाची होता है और समूह का बोध कर, समूह या समाह। इस समास का यदि आपको समस्त पद दिया गया है प्रश्न के अंदर, समस्त पद का मतलब विभक्ति रहित पद, तो उसके अंदर आपको पहला पद संख्यावाची मिलेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें, मान लीजिए कि आपको एक पद दे दिया सप्ताह, तो इसमें दो शब्द हैं, दो पद हैं, सप्त एक अहम, सप्ताह मतलब सात। अब इसका विग्रह करेंगे समास विग्रह, तो इसका हो जाएगा पहला पद संख्यावाची सप्त रखेंगे, सप्त का मतलब होता है सात। फिर दूसरा शब्द इसमें अहम, तत्सम शब्द है, अहम का अर्थ होता है दिन, सात बहुवचन में है तो दिनों कह सकते हैं, सात दिनों का समूह है। समूह की जगह आप समाह शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे त्रि लोक, तो इसमें भी जो पहला शब्द है त्रि, तीन संख्यावाची है, तो इसको चाहे आप त्रि का त्रि भी रख सकते हैं या त्रि का मतलब तीन होता है, ये तत्व त्रि तत्सम संस्कृत का शब्द है, तो तीन भी लिख सकते हैं तीन। फिर सेकंड पद है लोक, तीन अब बहुवचन हो गया, लोकों का समूह है या समूह। इसी प्रकार से जैसे हमारे पास उदाहरण है त्रिफला, इसी तरह ये हो जाएगा तीन फलों का समूह है या समूह। इसी तरह जैसे पंचवटी, इसमें भी पहला शब्द है पंच, पांच वटी वट समूह, विग्रह हो जाएगा पंच। चाहे आप तत्सम शब्द को विग्रह में तत्सम ही रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि तद्भव लिखें, पंच को पांच ना लिखकर पंच भी लिख सकते हैं, पंच फिर वटों का समूह है या समाह, समूह की जगह समाह शब्द भी प्रयुक्त कर सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है। इसी प्रकार जैसे चोरा है, इसमें भी पहला पद संख्यावाची है, चौ तत्सम शब्द है, विग्रह में चार चौ लिख दो, चाहे चार चार की राह है तो चार बहुवचन में तो राहों कर देंगे, मतलब रास्ता या मार्ग, चार राहों का समूह है या समाह। इस प्रकार से द्विगु समास के अंदर जो पहला पद होता है वो प्राय संख्यावाची होता है और दूसरा पद होता है वो समूह का बहुसूचक, जिसको संख्यावाची भी कह सकते हैं, वो पद होता है। लेकिन इसमें एक ध्यान विशेष रखना है कि पहला पद संख्यावाची होने के उपरांत भी यदि दूसरे पद के साथ मिलकर कोई विशेष अर्थ देता है तो वो किसी भी स्थिति में द्विगु समास का नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, मान लीजिए कि एक शब्द हमारे पास त्रिनेत्र, तो वैसे अगर देखें तो इसमें भी पहला शब्द या पद त्रि है, तीन ही है, संख्यावाची है, लेकिन दूसरा पद है समूह का बोध नहीं कराकर, जैसे इसका विग्रह यूं कर दें कि तीन है नेत्र जिसके, तो यहाँ पर ये विशेष प्राणी व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, शिव की ओर संकेत कर रहा है, तो इस कारण ऐसे उदाहरण है उनमें पहला पद संख्यावाची होने के उपरांत भी द्विगु समास में नहीं हो सकते। तो ध्यान विशेष रखना है कि पहला पद यदि संख्यावाची है और दूसरे पद के साथ मिलकर वो किसी विशेष व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, ऐसे विशेष व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान की ओर संकेत कर रहा है कि उनके जैसे संसार में और कोई नहीं है, तो वो द्विगु समास में नहीं होगा, फिर वो बहुव्रीहि समास में। लेकिन जैसे मान लीजिए स्त्री नेत्र का विग्रह यूं कर दें या अगला पद विग्रह करके देना, वैसे अगर समस्त पद देते डायरेक्ट त्रिनेत्र में पूछे तो आपको केवल बहुव्रीहि समास में रखना है, लेकिन प्रश्न में
अगला पूछे पेपर के अंदर विग्रह करके दे दे और विग्रह इस रूप में कर दे, जैसे इसी का विग्रह कर दिया जाए कि तीन नेत्रों का समूह है। अगर विग्रह में समूह या समाहार का प्रयोग मिल जाए तो फिर आपको इसमें द्विगु समास से मानना होगा और समस्त पद इसका भी उसी प्रकार से बन जाएगा जैसे द्विगु समास का। इस प्रकार से इसके अंदर ध्यान रखना है कि पहला पद संख्या अच्छी हो, दूसरे के साथ मिलकर समूह समाज का बहुत प्रवाह रहा हो, अब तो द्विगु है, किसी व्यक्ति विशेष की ओर संकेत कर रहा हो, किसी अद्वितीय प्राणी की ऐसी वस्तु या प्राणी की ओर संकेत कर रहा हो कि उसके समान संसार में और कोई दूसरा नहीं है तो वो द्विगु का नहीं होगा। जैसे इसमें एक दूसरा उदाहरण दे सकते हैं दशानन, इसमें भी पहला पद संख्या अच्छी है लेकिन दूसरा पद आनंद दस आनंद दस चेहरे रावण के, तो यहाँ पे रावण के लिए संकेत कर रहा है तो ये भी बहुवचन समास का होगा न कि द्विगु समास का। लेकिन अगला प्रश्न में कुछ विग्रह दे दे तो वहाँ विग्रह के अनुसार ही आपको समास बताना है। जैसे कि स्त्री नेत्र वाले भी द्विगु समास बहुवरी भी, लेकिन विग्रह देखिए उसी को प्राथमिकता देनी है। अगर प्रश्न में विग्रह दिया गया है उसमें समूह का प्रयोग है तो द्विगु रहेगा, इसी का विग्रह कर दिया जाए और विग्रह में दे दें तीन है नेत्र जिसके अंत में जिसके या जिसका इत्यादि शब्द का प्रयोग मिल जाए तो वो फिर बहुव्रीय समास में होगा। तो इस प्रकार से इसमें ध्यान में रखना द्विगु समास के अंदर कि प्राय पहला पद संख्या। इसमें कभी कभार अपवाद स्वरूप जो सेकंड पद है वो भी संख्यावाची का मिल सकता है, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है लेकिन कई बार मिल जाता है और विद्यार्थी इस बात को रट के बैठ जाते हैं कि पहला पद ही संख्यावाची होगा और वहाँ फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें जो सेकंड पद है वो संख्यावाची हो गया तो कौन सा समास करें। तो वहाँ पर आपको देखना है, जैसे मान लो एक उदाहरण है पक्ष द्वि, तो यहाँ पर सेकंड जो शब्द है पद है वो संख्यावाची, द्वि दो प्रथम शब्द है तो यहाँ पर इसका विग्रह होगा। विग्रह करेंगे तो इस संख्यावाची शब्द को पहले ले लेंगे, चाहे द्वे लिख दो और चाहे दो कर दो या इसके जगह द्वि शब्द हो सकता है, तो इसका विग्रह हो जाएगा दो पक्षों का समूह है या फिर चाहे समाहार का। वो बहुत ही कम ऐसी स्थिति है जहाँ पर सेकंड पद संख्यावाची हो, लेकिन ध्यान रखें अगर सेकंड पद संख्यावाची है और पहले पद के साथ में समूह का बोध करा रहा है तो वो भी द्विगु समास में ही होगा। अब इसमें दूसरा तरीका परीक्षा में प्रश्न पूछने का है, पहला तरीका दिया कि आपको समस्त पद दिए जाएंगे फिर विग्रह करवा जाएगा और उसमें निहित समास का नाम पूछा जाएगा। यदि आपको समस्त पद दे रखे हैं और उसमें द्विगु समास है तो इतना ही देखना कि पहला पद संख्यावाची है या दूसरा हो सकता है और दोनों मिलकर के किसी व्यक्ति विशेष प्राणी को संकेत नहीं कर रहे हैं, समूह का बोध करवा रहे हैं तो वो द्विगु समास की। दूसरा तरीका आपको समास विग्रह दिया जाएगा फिर उसका समस्त पद बनाना होगा और उसमें भी निहित समास का नाम बताना होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपको एक विग्रह दे दिया जाए नौ रात्रियों का समूह है या समाह, फिर कहा जाएगा इसका समस्त पद बनाओ निहित समास का नाम लिखो। तो समस्त पद बनाने में आपको क्या करना है कि विग्रह के अंदर आपने जो समूह है समाहार शब्द का प्रयोग किया और उसके साथ कोई कारक की वृद्धि चिन्ह लगाया उनको तो हटा देना है, फिर जो दो शब्द शेष रह गए दो पद शेष रह गए उन दोनों को मिलाकर के एक शब्द बनाना है। तो वैसे यहाँ देखें तो दोनों शब्दों को डी से क्यू का क्यों नहीं मिलाना है, बनाना है उसे ऐसा शब्द बनाना है कि जो बिल्कुल सार्थक हो शुद्ध हो। अब जैसे यहाँ पर देखें तो इसका नवरात्र क्या नवरात्र, इसी प्रकार से जैसे उदाहरण है आपके पास मान लीजिए कि दे दिया जाए इधर कि चार रास्तों का समूह, ये प्रश्न में दे दिया जाए फिर कहा जाए कि इसका समस्त पद बनाओ तो उसमें भी वही प्रक्रिया अपनानी है, जो भी कार्यचिन्ह भक्ति लगे उनको हटा दो, समूह समाहार जिनका प्रयोग है उनको हटा दो। अब ये दो शब्द बच गए चार रास्ते, अब चार रास्तों ऐसा कोई शब्द बनेगा नहीं समासिक पद या समस्त पद बनेगा नहीं, तो इनसे फिर ऐसा शब्द बनाना है जो बिल्कुल सटीक हो सार्थक हो शुद्ध हो। तो इसका हो जाएगा चार का कर दो चौ और रास्तों को कहते हैं राह, चार चौ रास्ता ये तो कोई शब्द बनता नहीं तो ये हो जाएगा चौ राह, क्योंकि राह का मतलब ही रास्ता। अब यहाँ पर इसका मालूम मार्ग भी दे दें चार मार्गों का समूह है तो यहाँ पर आपको चौ मार्ग नहीं करना है, फिर भी मार्ग का जो अर्थ देने वाला है राह शब्द वही काम करेगा।
तो समस्त पद बनाते समय थोड़ा विशेष ध्यान रखना है कि उन दोनों शब्दों को मिलाना है, दी सेम जो का क्यों मिला करके नहीं रखना है, उनसे एक ऐसा शब्द बनाना है जो बिल्कुल शुद्ध हो और जो प्राय साहित्य के रूप में भाषा के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ऐसे नहीं कि जोड़ तोड़ करके कोई भी शब्द बना दिया। इसी तरह जैसे मान लो आपको एक पद्य भेजा है, सो अबदुम का समूह या समाह, कहते हैं वर्ष को, बहुचना तो वर्षों हो जाएगा। अब इसका भी समस्त पद बनाएंगे तो वही प्रक्रिया है समाहार क्या कार्य।